बेशक अयोध्या का राम मंदिर अब चुनावी मुद्दा नहीं रहा, लेकिन राम मंदिर निर्माण में जमीन खरीद का घोटाला एक बार फिर से यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी पारे को बढ़ा रहा है। जहां एक तरफ कथित जमीन घोटाले को लेकर योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए और स्पेशल सेक्रेटरी रेवेन्यू को एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए, तो वहीं चुनाव में विपक्ष इस मुद्दे को कैश कराने के मूड में साफ दिखाई दे रहा है। अयोध्या जमीन के सौदे में कई मंत्रियों के रिश्तेदारों के नाम भी सामने आए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि राम मंदिर विवाद का रास्ता साफ होने के बाद स्थानीय विधायकों, मेयर और आयुक्त, एसडीएम, साथ ही डीआईजी के रिश्तेदारों ने भी अयोध्या में जमीनें खरीदी हैं। ये जमीन महंगे दामों में ली गई है। उसमें जिसका भी नाम लिया जा रहा है वो भाजपा से संबंधित लोगों का नाम लिया जा रहा है या जो सरकारी कर्मचारी है, तो ये विपक्ष का चाल है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं, जिस तरह हमारा ही नाम इसमें प्रकरण में आया, विधायक जी का नाम, तो हम लोग विधायक से पहले पूर्व हम लोग शुरुआत से 70 से सन हम लोग व्यापारी ही रहे। हम लोग काम यही नहीं कि हम लोगों ने यही जमीन ली, हम लोगों ने तमाम जमीन लखनऊ में भी ली है, सुल्तानपुर में भी ली है, तो हम लोग बेसिकली व्यापार का काम भी, व्यापार के साथ साथ अपने जमीन का भी हम लोग कारोबार करते हैं। माझा बरहट्टा के जितने दलित से सारी जमीन उन्होंने उन लोगों ने दिया कि हम यहाँ स्कूल बन जाएगा, कॉलेज बन जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगी, सबको कहकर नौकरी लेकर गया था। वो अपने आदमी के नाम, एक रुंगही नाम का कोई प्रयागराज में, इलाहाबाद में रहता, उसके नाम खरीदवाया, 10 रुपए कागज पर अपने नाम करवा के जब फंसा तब कौड़ियों के भाव अधिकारियों को जमीन उसने देना शुरू कर दिया। जितने अधिकारी थे जो रिकॉर्ड का काम देखते हैं, जमीन लगभग महर्षि योगी से सबने ली। ये जो कारोबार, काला कारोबार प्रभु श्री राम की धरती पर चल रहा है, मैंने पहले भी कहा था और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जितने दाखिल, खारिज, बैनामे हुए हैं अयोध्या में, इन सब की जांच होनी चाहिए, तो बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े नेताओं के और नामों के खुलासे होंगे।